आरपीएससी द्वारा आयोजित ग्रेड वन और ग्रेड टू के लिए जो एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है उसी संदर्भ में आज एक अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहा था, उसको लेके क्या स्थिति रही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पर देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री राजस्थान जी, जैसा कि आपको पता है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के दौरों पर रहे, तो उस दौरान जो आयु सीमा में लाभ नहीं मिल रहा उस पर क्या रहा, क्या मामला मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाया गया? तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से तो बात नहीं हुई, लेकिन जहां पब्लिक की ग्रीवियंस एक्सेप्ट की जा रही थी वहां पे एक मांग पत्र के रूप में इस मामला मुख्यमंत्री जी के ओएसडी तक, जो उनके साथ प्रशासनिक अमला था, उस तक पहुंचाने की कोशिश की गई, उनको दिया गया। अब देखते हैं इस पर क्या निर्णय रहता है। शिक्षा मंत्री जी भी, बीडी कल्ला जी भी उनके साथ थे। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार द्वारा शीघ्र इस मामले में स्थिति क्लियर की जाएगी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो डेट मिली है उस डेट को तो एग्जाम स्टार्ट होने में मात्र एक दिन रहेगा, तो स्टे बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। लेकिन परीक्षा में आयु सीमा का लाभ मिलने की संभावना अभी शून्य नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। गेंद सरकार के पाले में, अगर सरकार इस चीज़ से एग्री होती है तो इस डेट को एक्सटेंड करना सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि सभी को ये पता है कि अगर एक बार एक्सटेंड हुई तो कम से कम 3 से 4 माह, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एटलीस्ट 100 डेज सरकार को देने पड़ेंगे। जो न्यू एस्पिरेंट शामिल होंगे इस परीक्षा में तो वो सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि अगर ये हफ्ते 10 दिन में कोई काम हो रहा होता तो डेफिनेटली ये कर दिया जाता, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। उनको मिनिमम 90 डेज 60 डेज का टाइम देना पड़ेगा, फॉर्म भरने के लिए भी हफ्ता 10 दिन का समय देना होगा, तो 100 दिन एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं इसी मामले पे। और देखो, माननीय न्यायालय पे जहाँ मामला था, न्यायालय चाहता तो जस्टिफाई करने के लिए स्टे की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन एज रिलैक्सेशन किन किन भर्तियों में देना है, किन में नहीं देना, ये सरकार का निजी विचार हो सकता है। हालांकि इस चीज़ पे सभी सहमत थे कि कोविड में जो एज का लॉस हुआ है वो सभी को हुआ है, लेकिन एक ग्राउंड जो जनरेट बार बार किया जा रहा था कोर्ट में कि आगामी भी तो ये भर्ती रिपीट हो रही है उसमें अप्लाई कर देंगे, अब जो प्रोसीजर चल रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए, ऐसी काफ़ी सारी परिस्थितियां बनी जिस वजह से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्थिति सिरे नीचे पाई। अब वो जो मुख्यमंत्री जी के प्रशासनिक अमले तक पहुँचाने की कोशिश की गई और जो पहुँचा है वो उस पत्र का देखते हैं आगे क्या रहता है। एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से, सचिन पायलट जी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही राजस्थान में 1-2 दिन में फाइनल स्थिति क्लियर हो जाती है इस पर जल्दी ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा, सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। अगर सरकार ने भी इनकार कर दिया तो डेफिनेटली फिर परीक्षा समय पे ही होगी, लेकिन चुनावी वर्ष के इतने पास जाके उम्मीद नहीं की जा रही कि सरकार छात्र के इतने बड़े वर्ग को नाखुश करने की कोशिश करेगी। बाकी क्या रहता है हम आपको दिशा क्लासेज पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ।